तो सारे आ गए, क्लास सब चालू करें? ठीक हाँ है, चलो फिर आज वील स्टार्ट विद ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का नाम बोलो। मैक्रो इकोनॉमी। इकोनॉमी। अब SY के अंदर सबसे टफ सब्जेक्ट जो होता है ना वो ये वाला है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को इसमें टप्पे नहीं पड़ते हैं, बिकॉज ये इसका लॉजिक अगर आपको नहीं पता है तो आप ये सब्जेक्ट कभी लर्न नहीं कर सकते हो। तो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे इसका लॉजिक, और हो सकेगा शायद तो हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे, ठीक है? और इसी तरह से हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो चलता जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है नेचर एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल देता हूँ और थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स बोल देता हूँ। एक पर्सन मतलब प्रणव सर या कृषिक या शिवम या ध्रुविल, उसके जो भी प्रॉब्लम है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे। एक पर्सन के आ जाएंगे, एक फर्म के आ जाते हैं, एक कंपनी के आ जाते हैं। तो कोई भी एक बंदे का, एक फर्म, एक बंदे का, एक पर्सन का, एक फर्म का अगर कुछ होता है तो माइक्रो में आता है। लेकिन सारे पर्सन को आप ऐड करोगे सिग्मा एक्स अपॉन एन जैसा। ये क्लियर हुआ बेटा? सारे पर्सन मतलब प्रणव सर, ध्रुवी, तेरे पप्पा, मेरे पप्पा, चाचा, मामा, मासी, पूरा सबका प्रॉब्लम जो होगा, मतलब प्रॉब्लम ऑफ द, क्या लिखा है बेटा? कंट्री। कंट्री, तो प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री जो होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। अब इन शॉर्ट, प्रणव सर का प्रॉब्लम तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और नरेंद्र मोदी का प्रॉब्लम तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्लियर हुआ बेटा? अब इसीलिए देखो, एक तो ये सब्जेक्ट क्यों टफ लगता है, बराबर है, बिकॉज पप्पा ने कभी पॉकेट मनी अपने को दी नहीं। अगर पॉकेट मनी दी है तो 400 या 500 रुपया, जिसका हिसाब वो लेंगे, बराबर है। और उसमें से तो अभी सेट हुए हुए नहीं है, तो कंट्री की, भाई ये पीछे किसी का आवाज आ रहा है, म्यूट कर दो, बराबर है, आंसर देना है तब अनम्यूट कर देना। हाँ, तो कभी कभी तो क्या हो जाता है कि भाई कंट्री का प्रॉब्लम अगर मैं सिखाऊं कि इट इज अ सब्जेक्ट विच सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द एंटायर कंट्री, तो सबके मुंह ऐसे खुलने लग जाते हैं हाँ करके, बोले क्या हो गया। ये क्लियर हुआ बेटा? एक सेकंड, कैमरा ऑन है? हाँ कैमरा ऑन है, ओके। तो लफड़ा यहीं पे हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई सर हमको तो डिमांड एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस, इलास्टिसिटी तो पता टप्पे पड़े नहीं है, और मांड मांड हम लोग ने बोले बहुत मुश्किल के साथ मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक किया हुआ है, और अभी यहाँ पे आप आके पूरे का पूरा देश का देख रहे हो। तो देश का प्रॉब्लम जो होता है, कंट्री एज अ होल, उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मैं हर बार बोलता हूँ कि स्टडी ऑफ अ ट्री इज, क्या लिखा है बेटा? स्टडी ऑफ अ ट्री इज कौन सा इकोनॉमिक्स, लेकिन ऑफ द फॉरेस्ट जो होता है वो हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्लियर हो गया बेटा? बस थैंक यू। यहाँ पे लिखा हुआ है इकोनॉमी एज अ होल। तो देखो यार, मेरा प्रॉब्लम क्या है, फीस कितनी आएगी, बराबर है, वो की स्कूल, मेरे लड़के की स्कूल की फीस पे करनी है, इंश्योरेंस पे करना है, मेडिक्लेम पे करना है, दाल चावल लाने हैं, बराबर। ये मेरे लफड़े, इसका लफड़ा क्या होता है पता है? पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, कोविड। क्लियर बेटा? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, पता नहीं इसके अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं। तो मेन चीज क्या है कि भाई SY बीकॉम वाले स्टूडेंट को अपने, मतलब अभी तो तुम बच्चे हो, और मैं, और वो टीचर भी होता है ना, वो कंट्री इकोनॉमी एज अ होल, डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, ये कैरेक्टरिस्टिक, ये वो भी दे दे कर रहा होता है टीचर, और जो स्टूडेंट होते हैं वो भी खर्राटे ले रहे होते हैं। बिकॉज बेसिकली ये बहुत डिफरेंट है यार, एक छोटे से स्टूडेंट को सोचना कि भाई प्राइस कैसे आएगा, फॉरेन रिजर्व्स क्या होते हैं, कितने रुपए सरकार को प्रिंट करने हैं, सरकार को रुपए क्यों प्रिंट करने हैं, नरेंद्र मोदी ने डिमोनेटाइजेशन क्यों लगाया, नरेंद्र मोदी ने लॉक, बताए तुम्हें पता है नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन क्यों लगाया? संक्रमण ने चेन तूटी जाए इतले। ना ना, कोरोना तो होने ही वाला था बेटा। अब हमारी सोसाइटी में भी एक और केस आया हुआ है, एक दो रिलेटिव को आया हुआ है, सूरत में एक दो रिलेटिव को आया हुआ है, उसको भी पता था कि कोरोना ऐसे रुकेगा नहीं, लेकिन हमारे पास ना बेड थे, ना वेंटिलेटर था, ना ये था, ना वो था।
तो उसने 17 डेज लॉकडाउन के अंदर सारी की सारी दवाई की इतनी ज्यादा सप्लाई खड़ी कर दी ना उसने, स्पेशल प्लेन भेजे वेंटिलेटर बनाने के लिए, क्योंकि उसको पता था कि ये आगे आगे बढ़ने ही वाला है, अभी भी जब तक वैक्सीन नहीं आएगी ये बढ़ने ही वाला है। लेकिन अब अगर उसने लॉकडाउन नहीं खोला तो लोग भूखे मरेंगे, ये समझ रहे हो बेटा, ये ऐसे लफड़े उनके होते हैं। ये क्लियर हुआ? अब ये ध्रुव बिल जो है वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो उसके पापा ये सोचेंगे कि मेरे खेत में कौन सी पैदावार करूं जैसे मेरी इनकम बढ़ जाए, तो नरेंद्र मोदी ये सोचेगा कि कौन सा ऐसा फल है जो करेंगे तो फार्मर की इनकम बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये सब्जेक्ट समझने के लिए सबसे पहले आपको तो अपनी मेंटालिटी जो होती है वो चेंज करनी पड़ती है। और अपने आप को क्या समझना है बेटा, राजा। और राजा जो सोचेगा प्रजा के लिए वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ये समझ गए कि नहीं? ऐसे देखने जाओ तो अगर तुम्हारा झगड़ा होता है तो ध्रुविल और सीएम का झगड़ा हो गया तो कृषि किसी की भी साइड लेगा, बिकॉज वो फ्रेंड है, वो अगर फ्रेंड से सोचते हो। लेकिन अगर वो पुलिस वाला है या जज है तो दोनों का सुनेगा, तो थिंकिंग जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच स्टडी ओवरऑल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। ये क्लियर हुआ बेटा? लाइक प्राइस, आउटपुट, फॉरेन एक्सचेंज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, अनएम्प्लॉयमेंट, सारी चीजें। ये क्लियर हुआ बेटा? नरेंद्र मोदी गांडा इंसान तो नहीं है कि 500 और 1000 की नोट उसने बंद कर दी। 500 और 1000 की नोट उसने अगर बंद की है तो उसके पीछे भी कुछ लॉजिक था। ये क्लियर हुआ? अभी भी मैं बोलता हूँ बेटा, 2000 की नोट अगर आपके घर में है तो उसको डिपोजिट कर दीजिए बैंक में, क्योंकि 2000 की नोट छपना बंद हो गया है, जितनी चल रही है उतनी चल रही है। पिछले साल 2019 में एक भी 2000 की नोट उन्होंने प्रिंट नहीं की है। जैसे जैसे ये बड़ी नोट में ब्लैक मनी बहुत होता है बेटा। ये क्लियर हुआ? हाँ। तो वो सारे प्रॉब्लम्स जो थे वो नरेंद्र मोदी के प्रॉब्लम थे। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, हाउ, कितना मेजर करना है, बराबर। अमेरिका डेवलप कंट्री है कि नहीं है? हाँ, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। तो अमेरिका के प्रॉब्लम अलग होते हैं, हमारे प्रॉब्लम डिफरेंट होते हैं। ये क्लियर हुआ बेटा? हाँ। हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व हो गया तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हाँ या ना? हाँ। अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो वो लोग एक्सपेंडिचर करेंगे कि नहीं करेंगे? एक्सपेंडिचर करेंगे तो किसी और की इनकम होगी कि नहीं होगी? किसी और की इनकम होगी तो वो भी अपना बिजनेस एक्सपांड करेगा कि नहीं करेगा? तो वापिस ये एक्सपांड करेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व हो जाता है। ऐसे लफड़े, ऐसे प्रॉब्लम, ऐसी चीजें जो होती है वो आ जाती है, वो किस में आ जाती है? ये क्लियर हुआ बेटा? अब दूसरा, अभी आज का सेशन जो है उसमें कई एक क्वेश्चन पढ़ाना ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज बस जनरल बातें ही होगी। तो जनरल बातें ऐसी है कि मेरी मम्मी बोलती थी कि भाई मैंने 330 रुपए पे जॉब करती थी, 30 रुपए का तेल का डब्बा आता था, तो पूरी सैलरी में मैं 10 तेल के डब्बे लेके आती थी। आज मेरी मम्मी का पेंशन 21,000 रुपया हो गया है, बराबर है, तो 1500 का तेल का डब्बा है। ये क्लियर हुआ बेटा? ऐसे देखने जाए तो मम्मी की इनकम जो है वो 330 से 21,000 हो गई थी, लेकिन परचेसिंग पावर जो था वो तो खाली 10 तेल के डब्बे ही थे। ये समझ गए बेटा? तो इन्फ्लेशन, अब अगले साल में इसकी फीस बढ़ाऊंगा कि नहीं बढ़ाऊंगा? क्यों? क्योंकि सब बढ़ रहा है, और मेरी भी इनकम थोड़ी ज्यादा होगी तो मुझे भी जीने में मजा आएगा। तो थोड़ा इन्फ्लेशन होता है वो अच्छा होता है, उससे ज्यादा इन्फ्लेशन होता है वो अच्छा होता नहीं है, ठीक है? तो ये सारे लफड़े जो होते हैं वो किसके हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है? अब वापिस थोड़ा सा एक डिटेल जाता हूँ भाई। ये हम आदि मानव थे, बराबर, ये गाय भैंस थी, बराबर, उसका हम लोग शिकार करते थे, घर पे लेके आते थे, कैंप फायर करते थे, बराबर, खाते थे, और रुपया जैसी कोई चीज नहीं थी तो प्रॉब्लम नहीं था। फिर हम लोगों ने इकट्ठा रहना चालू किया तो गांव बन गए, गांव से इकट्ठा रहना चालू किया तो शेयर बन गए, फिर हम लोगों ने एग्रीकल्चर चालू किया, फिर बार्टर सिस्टम आई। तो बार्टर सिस्टम जब आई तो वापिस प्रॉब्लम आए, तो हम लोग रुपया निकाला,
रुपया निकाला तो ट्रेड जो था वो बढ़ने लगा, ट्रेड बढ़ने लगा वापिस पंगे होने लगे। ये क्लियर हुआ बेटा? फिर एक राजा जा इंडिया का, उसने अफगानिस्तान से डील की काबुली वाला, बराबर है। तो जैसे जैसे तो यहां तक माइक्रो इकोनॉमिक्स था। फिर जैसे दूसरी कंट्री में ट्रेड करना चालू किया तो उसके लफड़े बढ़ गए, फिर कंट्रीज बढ़ने लगी, फिर पीपल्स बढ़ने लगे, बराबर। आज से 100-150 साल पहले तो हवाई जहाज भी नहीं था, आज तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री हवाई जहाज इंडस्ट्री है। ये क्लियर हुआ बेटा? तो जैसे जैसे देश बढ़ने लगे ऐसे उनके प्रॉब्लम बढ़ने लगे। फिर अमेरिका जैसा सुपर पावर हो गया, इंडिया जो था वो ब्रिटिशर हम पे राज कर रहे थे तो हमारा सीन हो गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कंपेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी ब्रांच है? तो बोले नई ब्रांच है। क्यों आई थी? बिकॉज डेवलपमेंट होने लगा। मैं तो बोलता हूँ, देखो ध्रुव बुरा नहीं लगाना, तुम्हारे जो लड़के होंगे ना नसीब इंडियन प्लस चाइनीज लड़की या तो इंडियन प्लस अफ्रीकन लड़का, ऐसा होगा यार, देखना ना। बिकॉज आपने देखा ही है ना कितने लोग बाहर गांव गए वहां सेट हो गए। अमेरिका का कोई कल्चर ऐसा, अमेरिका का कोई कल्चर नहीं है, जो लोग लेके आए वो उसका कल्चर, बराबर। कल कौन सा महीना चालू होने वाला है बेटा? नहीं नहीं अधिक महीना, गुजराती कैलेंडर के हिसाब से अधिक महीना। ये समझ गए बेटा? हाँ, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कार है, बराबर। हम दिवाली, बिकॉज ये तो दिवाली क्या था पता नहीं, दिवाली जो भी था हमको तो वारसे में मिला है कि भाई ये दिन को चौपड़ा पूजन करने का, ये दिन को लक्ष्मी पूजन करने का। अमेरिका की ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, अमेरिका का ऐसा कोई नेशनल फेस्टिवल ही नहीं है, बिकॉज जो लोग गए वो वहां रह गए और वहां उन्होंने बना दिया। ये क्लियर हुआ बेटा? इकोनॉमिक्स की एक नई ब्रांच है, बराबर है। और ये सारा लफड़ा जब हुआ था 1730 में, बराबर, ह्यूज मशीनरी आई, फैक्ट्रीज चालू हुई, फैक्ट्रीज चालू हुई, जिन्होंने फैक्ट्री लगाया वो लोग करोड़पति बन गए और बाकी जो काम करने लगे थे वो वर्कर बन गए। बाकी उसके पहले तो मेरे देश सोने की चिड़िया थी। ये समझे बेटा? हाँ, मेरा देश सोने की चिड़िया थी बेटा, बिकॉज सारे के सारे एंटरप्रेन्योर थे। ओके, अब जब प्रोडक्शन बढ़ने लगा 1933 के अंदर, 1929 से लेके 1933, ये साल इतनी मंदी आई, मंदी जाने, तब जाके सब लोगों ने अपना खुजाला ऐसे करके, भाई ये हो क्या रहा है? बिकॉज आउटपुट तो वो लोग बढ़ा रहे थे, आउटपुट बढ़ा रहे थे, सेल नहीं हो रहा था, माल स्टॉक में पड़ा हुआ था, तो फिर मंदी आने वाली, लोगों को काम से निकालना चालू कर दिया। तो ये सारी चीजें है, बराबर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भी तब से हमें पता चला कि भाई नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी नाम की कोई चीज है। ये नौवेगियन इकोनॉमिक्स रेंचनर फ्रिस्ट, ऐसा एमसीक्यू में नाम आ सकता है, बराबर है। हाँ, वेरियस साइकोसाइड एडोप्टेड टू शो सर्क्यूलेशन ऑफ वेल्थ, पैसा कैसे घूमता है, कैसे फार्मर से लैंडलॉर्ड के पास और फिर वापिस दूसरे क्लास के पास। तो ये तो नॉर्मली उन्होंने सारे एग्जाम्पल दिए हुए है कि 19th century स्टार्ट हुई तब लोगों को पता चला कि ऐसा भी कोई नया इकोनॉमिक्स है। ये क्लियर हुआ बेटा? F5 में थे तो नहीं आता था, वो था माइक्रो इकोनॉमिक्स, SY में मैक्रो आएगा, TY में इंटरनेशनल इकोनॉमी आएगा। यहाँ पे वॉलरस, विकर एंड फिशर वेर द मॉडर्न कॉन्ट्रीब्यूटर्स, उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक को स्टडी किया। और केन्स के तो बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसल, मार्शल, पिगाव, रॉबर्टसन भी आता है, बाकी के इतने नाम के कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इन लोगों ने ग्रेट डिप्रेशन होने के बाद सारा का सारा देखना चालू किया, सोचना चालू किया कि लोग क्यों बिहेव कर रहे, कैसे बिहेव कर रहे। ये लफड़ा आज तक था नहीं, अभी आया कैसे? जैसे कोविड, बराबर, एक साल पहले कोई सुनता भी नहीं था, अब नया लफड़ा आया है तो लोगों को जानना पड़ रहा है। 5-5 साल लगते थे एक वैक्सीन डेवलप करने में, अब एक साल के अंदर तो वैक्सीन डेवलप भी हो जाएगी। ये क्लियर हुआ बेटा? पहले ऐसा था कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 के बाद वापिस जाता था, अभी तो उन्होंने स्पीड अप कर दिया है, फेज 2 और फेज 3 भी साथ में चालू कर दिया है। और अगर फेज 3 का रिजल्ट 80% भी पॉजिटिव आया ना तो प्रोडक्शन चालू कर देंगे, ताकि जब मोहर लगे तब हमारे पास इतनी सारी दवाई हो। अब ये नया लफड़ा था तो नहीं सोचती, तो 1929 के पहले ऐसे मैक्रो इकोनॉमी जैसा कुछ था ही नहीं। 1929 में ये जो मंदी आई उसके बाद यहाँ पे ये शुरू हो गया है। तो ग्रेट डिप्रेशन 1930 का आया था, वो बहुत बड़ा पंगा था। ये क्लियर हुआ बेटा?
ओके तो इट हैज बिकम पॉप। फिर यहाँ पे ये देखो, अभी मैं कुछ सिखाने वाला नहीं हूँ बिकॉज इन सब पे पूरा का पूरा क्वेश्चन आएगा जो 40-45 मिनट चलेगा हर एक वीडियो के अंदर। ये क्लियर हुआ? बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ दिस बुक इकोनॉमिक्स वर क्लासिफाइड एज क्लासिकल इकोनॉमी। 1929 के पहले इकोनॉमिक्स थे वो क्लासिकल थे, फिर नियो क्लासिकल आए, फिर मॉडर्न क्लासिकल आए, और उन्होंने बोला था कि मार्केट जो है वो प्राइस नक्की करता है, प्राइस डिसाइड करता है। चलो बेटा अब मैं बोलता हूँ कि भाई एक सब्जेक्ट का 7,000 रुपया लूंगा, 7 सब्जेक्ट के 50,000 रुपया लूंगा, तो तुम लोग आने वाले हो? एग्जैक्टली बराबर। तो अगर सर तुम अच्छा पढ़ाते हो मान लिया बराबर, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं पढ़ाते कि 49,000 हम लोग देंगे, बिकॉज मार्केट में तुमसे कम अच्छा पढ़ाने वाले सस्ते में पढ़े, तो मुझे भी मार्केट के हिसाब से अपना भाव सेट करना पड़ता है। ऑफलाइन से ऑनलाइन का भाव सस्ता ही होता है। ये क्लियर हुआ बेटा? हाँ तो ऐसा ही है। अगर अगर देखो तुम्हारा कोई फ्रेंड है उसको अगर ज्वाइन करना है तो उसको बोल देना 1500 रुपया एक सब्जेक्ट का होगा थियरी का, अगर उसने दो सब्जेक्ट लिए तो 2500 में होगा, और तीन सब्जेक्ट लिया तो 3000 में होगा ऐसा। और ये फैक्ट है, जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है, ऐसे ही लाइव लेक्चर उनको मिलेंगे। बट द पॉइंट व्हाट आई वांट टू एम्फेसाइज इज मार्केट है, मार्केट को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, मार्केट से ऊपर कोई नहीं होता, कस्टमर भगवान था, भगवान है और कस्टमर भगवान रहेगा। ये क्लियर हुआ बेटा? तो हमको भी हमारा प्रॉब्लम जो है वो लोचा है और उसके हिसाब से करना है। हमारा मेन प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट है। अब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो उसकी इनकम नहीं होगी, तो उसकी इनकम, चलो मैं बोलता हूँ, चलो उससे डिफरेंट इससे बोलता हूँ, चलो कि तुम लोगों ने फीस पे कर दी तो मेरी इनकम हुई कि नहीं हुई? हुई। अब मेरी इनकम होगी, वो पैसा मेरी पूरी जिंदगी मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा कि मैं स्पेंड करूंगा उसको? स्पेंड करोगे। अगर मैंने स्पेंड किया चाय पीने पे तो चाय वाले की इनकम होगी कि नहीं हुई? मैं रिक्शा में गया तो रिक्शा वाले की इनकम हुई, मैं लड़के की फीस भरी तो उसकी इनकम हुई, तो स्कूल की फीस मैंने भरी, स्कूल की इनकम हुई, स्कूल डेवलप हुआ, तो 5 टीचर को नौकरी में रखेंगे। इसी तरह से और इसी तरह से अगर मेरे को ही तुम लोगों ने फीस नहीं दी तो मैं स्कूल में फीस नहीं भरूं तो टीचर को नौकरी से निकाल देंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इस तरह से काम करता है। ये क्लियर हुआ बेटा? और इसको कैसे टैकल करना है उसको आपको देखना होगा, बराबर है? फ्रॉम वर्ल्ड वॉर टू अप टू 1980 फिर इसके अंदर लगातार बकायदा डेवलपमेंट होता रहा है। ये क्लियर हुआ? इन द 80s द सप्लाई साइड इकोनॉमी गेन इम्पोर्टेंस। देखो इसमें भी लफड़ा है, झंडा पहले आया था कि डंडा, मुर्गी पहले आई थी कि अंडा, बराबर? तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में भी लफड़ा ही है। अच्छा मैं सप्लाई करता हूँ इसलिए तुम डिमांड करते हो कि तुम डिमांड करते हो इसलिए मैं सप्लाई करता हूँ, बोलो बेटा। आराम से सोच के बोलना। अरे बोलो कोई। डिमांड करते हैं इसलिए सप्लाई करते हैं। पक्का? तू मेरे पास आया था पहले? पहले मैंने YouTube चालू किया, पहले मैंने क्या किया बेटा, सप्लाई, उसके बाद डिमांड हुआ। तो इम्पोर्टेंट पहले सप्लाई का है, बराबर? चल तेरे को बोलता हूँ शिवम, तेरी पहली टी शर्ट बिकी थी तुझे याद है? हैं? अच्छा लगा था उस दिन? तू टी शर्ट लेके आया तो किसी ने डिमांड की थी, समझा? हाँ तो सप्लाई साइड पहले इम्पोर्टेंट होता है। आज मैंने YouTube चालू नहीं किया होता तो आज पादरा से स्टूडेंट नहीं आते। ओके हाँ। यहाँ पे लिखा हुआ है नेचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो नेचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है इट स्टडीज, यहाँ से चालू होगा बेटा, ये आगे का जो फर्स्ट क्वेश्चन है खाली नाम लिखे हुए है तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाता। नेचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इट स्टडीज एग्रीगेट, बोलो क्या बोला मैंने? एग्रीगेट का मतलब ओवरऑल, एग्रीगेट का मतलब ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज इंडिया डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बराबर। लेकिन शिवम के पापा की नौकरी चली गई, प्रणव क्लासेस बंद हो गया, ये ध्रुवीर के पापा ने बहुत कमा लिया, पर लेकिन हम लोग ऑन एन, हाँ हाँ बराबर है।
अब मेरी इनकम कम हो गई है, शिवम की कम हो गई है, ध्रुमिल की कम हो गई है, कृषि की कम हो गई है, लेकिन एंटायर देश की इनकम तो ऐसे भी बढ़ रही है। अच्छा ये लॉकडाउन में किसी को प्रॉब्लम हुआ पैसों का? सबको प्रॉब्लम हुआ, तो टाटा मोटर्स की गाड़ियां कैसे बिक रही है? मारुति कार का सेल्स क्यों हो रहा है? अरे नहीं, सोचने वाली बात है बेटा, हर किसी को लॉस इतना नहीं हुआ है, लोगों ने आत्महत्या भी की है, लेकिन लोगों के पास पैसे भी है। हमारा सामने वाला नेटफ्लिक्स का कनेक्शन लेकर बोला, मैं बोलूं नेटफ्लिक्स तो क्या, हाँ टाइम कैसे पास करेंगे, 1000 रुपया था, 1500 रुपया था, पता नहीं कितना था, तेरे पास नेटफ्लिक्स डालने के लिए 1500 रुपये है? मतलब मंदी तो छोड़ने लगा, मंदी वो तो सब आता रहता है जाता रहता है। तो ऑन एन एवरेज लोगों के पास इनकम है, वो तो ये एक ऐसा हुआ कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सक्सेसफुल नहीं हुआ, बाकी 30,000 के 50,000 के मोबाइल स्टार्टिंग में लॉन्च होते ही निकल जाते थे, ये देखा है कि नहीं देखा है? तो इसका मतलब क्या, ऑन एन एवरेज लोगों के पास पैसे है, मंदी खाली नाम की है बेटा। मेरी मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट किया, 6.5 लाख तो मैंने निकाले, तो ऑन एन एवरेज मंदी है कि नहीं है पता ही नहीं चलता। अगर मंदी, मेरे पास एक लड़का आया था, मुझे बोले फीस कम करो, मेरी फीस कम करो, मैं बहुत ये हूँ वो हूँ, फिर मैंने देखा तो साला आईफोन यूज कर रहा था। मैंने बोला मेरी तो औकात नहीं है आईफोन यूज करने की, तू आईफोन, अरे मतलब वो बंदा कपड़े कैसे पहन के आता है, साइकिल पे आता है, चल के आता है, उसके चंपल कैसे है? साले के चंपल बाटा के होते थे 750 रुपया, 1000-1200 रुपये के, और नाटक कर रहा था। ये भी तो हो सकता है ना बेटा, बट ऑन एन एवरेज ये पूरी एंटायर इकोनॉमी को कवर करता है। इट स्टडीज के भाई टोटल एम्प्लॉयमेंट, देखो तीनों तीन चीजें ना चलती रहती है, एम्प्लॉयमेंट होगा बोलो, हाँ तो इनकम होगी, इनकम होगी तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो वापिस एम्प्लॉयमेंट होगा, क्लियर बेटा? हाँ, अकॉर्डिंग टू एक्सक्लेयर मैक्रो इकोनॉमिक इज कंसर्न विद ओवरऑल डायमेंशन ऑफ इकोनॉमीज ऑफ लाइफ, ऑन एन एवरेज ओवरऑल इकोनॉमी क्या है, ये क्लियर हुआ बेटा? अब मैं एक बात बोलता हूं, अगर मैं सोच समझ के आंसर देना, सोच समझ के, ठीक है, 15,000 रुपए फीस रखू SY की ऑनलाइन सारे सब्जेक्ट की, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? ये SEM 3 और SEM 4 दोनों मिला के आएंगे, पक्का? हाँ। चलो तो मैंने, मेरी इनकम हो गई, ये क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ। अब मेरी इनकम इंक्रीज हुई इसलिए मेरे पास पैसे ज्यादा आएंगे, शिवम बंद कर, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा ना, तो मैं ध्रुविल से तो बात ना करूं, गरीब पंचा मैं और कृषि एक बात बता, ली के बूट अच्छे आते हैं कि एडिडास के नाइक के, बोलो बेटा? ये लो बेटा, हरा जाओ, हम तो नाइक का ऑर्डर करना, हां नाइक का, अच्छा अच्छा, तो नाइक के अच्छे है, अच्छा चलो। तो अब देख मेरी इनकम बढ़ी इसलिए मैंने नाइक के जूते की क्या की बेटा, डिमांड, तो फिर नाइक के जूते का प्राइस जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तो तेरी इनकम बढ़ी ना पांडू, इसीलिए प्राइस बढ़ा है, ये क्लियर हुआ बेटा? हाँ। तेरी मम्मी ऐसा बोलेगी भिंडी 15 रुपए किलो से 25 रुपए किलो हो गई, तो मतलब कौन भिंडी नहीं खाता है, ये समझ गए ना? तो भाव तो बढ़ रहा है, देखा ये कितने मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं, उनको मिलने जाओ, उनको वो पनौती है, पनौती समझ रहे, पनौती बोले धंधा ही नहीं हो रहा, पैसे ही नहीं है बे जान देना, तो मैंने तो उसको एक दिन ले ही दिया, क्यों तेरा धंधा नहीं हो रहा है, तेरे पैसे नहीं मिल रहे है, घरा की नहीं हो रही है, तो दुकान बंद करके नौकरी करने जा, बोले ना नौकरी क्यों करने जाऊ मैं, तो तेरे रोना है तेरे को, लेकिन धंधा बंद नहीं करना है, मतलब धंधे से इनकम तो हो रही है लेकिन पैसे दिखाने नहीं है, ये क्लियर हुआ बेटा? हाँ। तो हाँ।
अब मैं एक बात बोलूंगा ना तो आप लोगों को हंसी आएगी। मैंने पूरा FI 2,500 रुपये में किया था। ₹5,000 फीस थी पूरे FI की, 5,000 बराबर। उसमें से थियरी के 2,500 थे ना, उसके 2,500 थे। मैंने थियरी क्लास कैंसिल करवा दिया था। वो सर पता नहीं एकदम क्या पढ़ाता था, साला समझ ही नहीं पड़ रही थी। पॉइंट ये था बराबर है आज। और मैं मेरी स्कूल में, हमारी स्कूल में फीस कितनी थी, 200 500 ऐसे करके 6,000 रुपया फीस होगी। मेरे लड़के की फीस 80,000 रुपया है, बोलो। अब इतना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन तो आने वाला ही है कि नहीं आने वाला है? आने वाला है दूसरी बात बोलता हूँ। हमारे जब किसी को बोलना नहीं है, एक पर्सनल बात है, हम जब फ्रेंड्स साथ में जाते थे तो 15 रुपए का डोसा आता था और 10 रुपए की पेप्सी आती थी। अगर कोई लड़की साथ में है तो 25 रुपए में हो जाता था। आज अगर लड़की को लेके जाए CCD में, लेके जाए डोमिनेंस में, लेके जाए तो 1,000 रुपए तो ऐसे ही निकल जाते। होते हैं कि नहीं होते बेटा? हाँ। लेकिन फिर भी CCD बंद नहीं हुआ है, डोमिनोज बंद नहीं हुआ है। आज लोग ये जोमेटो, पता है जोमेटो? शिवम 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 आवाज। हाँ, जोमेटो जो है, जोमेटो तू आंसर देके अनम्यूट अनम्यूट हो जाना, आंसर देना अनम्यूट होके फिर अभी म्यूट हो जाना। तो जोमेटो से लोग इसलिए खाना मंगवा रहे हैं बिकॉज उनको कंटाला आ रहा है। ये मेरे ये दिमाग में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है हेलो। भाई आज ये खावानो नहीं बनाओ, जा जोमेटो मंगा ले, रोटी बना देती हूँ, सब्जी तो आ जाएगी, रोटी सब्जी खा लेंगे, बस हो गया। तो दे हैव 180 रुपीज टू स्पेंड फॉर वन सब्जी। अब इतना सब स्पेंड करोगे तो भाई, तो फिर महंगाई तो आने वाली है कि नहीं आने वाली है? ये क्लियर हुआ बेटा? हाँ एग्जैक्टली। मेरे पीछा पीछे वाला घर है, उसने अपना मकान 70 लाख में बेचने को निकाला, कोई आया नहीं। उसने मकान तोड़ के 70 लाख रुपए डाल के दूसरा मकान बना रहा है। और वो ऐसा मकान बनेगा कि 60 साल तक उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्लियर हुआ बात? समझ रहे हो आप? मंदी नहीं है, ऑन एन एवरेज तो लोगों के पास इनकम है ही। तो लोग है, उनकी इनकम जो है वो बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है इसलिए डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ रही है इसलिए प्राइस भी बढ़ रही है। ये क्लियर हुआ बेटा? तो ये इसको बोलते हैं जनरल राइज इन प्राइस लेवल, कितना इन्फ्लेशन है। ये क्लियर हुआ बेटा? तो यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉयमेंट होगा, देखो चलो आंसर दो। एम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या होगा बेटा? प्रोडक्शन होगा तो सप्लाई सेल होगा, सेल होगा तो इनकम, इनकम होगी तो सेलिंग डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगी। शिवम प्राइस भी बढ़ेगी। ये क्लियर हुआ बेटा? मैं एक बात बोलता हूँ। मेरे दादा ने 93 के अंदर मेरे लिए 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। कितने की? 1 लाख। तो उनको ऐसा था कि आज से 20 साल बाद वो लड़का, मेरा मेरा नाती, मेरा लड़के का लड़का, उससे CA की, और वो 1 लाख की पॉलिसी 2,50,000 रुपए मिलने वाले थे। बराबर है? वो पॉलिसी दादा ने ली मनी बैक। जब 2013 में मैं पहुंचा तो वो 2 लाख रुपए से तो ऑफिस तो दूर, फर्नीचर भी नहीं आता। ये क्लियर हुआ बेटा? मेरे पापा ने मेरे लिए पॉलिसी ली थी 10,000 की। हम लोग उसे वॉशिंग मशीन लाए बेटा, उसमें भी पैसे डालने पड़ते हैं। तो मेन चीज क्या है कि मेरे दादा जब एक्सपायर्ड हुए 99 में, तब उनके पास तकरीबन 10-11 लाख रुपए जितना था, ठीक है? तो 10 लाख में उनकी जिंदगी निकल गई। ये समझ रहे हो बेटा? उसके तीन हिस्से हुए, एक हिस्सा मेरे पापा के पास आया। ये क्लियर हुआ? और उसके 20 साल बाद वो हिस्सा भी कचरा हो जाएगा। आज से 10 साल के बाद चलो मान लो कि भाई मेरे पापा मम्मी मुझे 25 लाख रुपए देके जाए, अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है, अच्छी बात है। 10 साल के बाद 25 लाख की कितनी वैल्यू होगी बोल? 20 लाख।
वही है ना, मैं बोलता हूँ मेरी मम्मी जब रिटायर हुई 2008 में, तो उसके पास 15 लाख रुपए आए थे। मैंने बोला बंगला ले ले, बोले नहीं 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 2010 में मैंने बोला एक बंगली ले ले, बोले नहीं नहीं 2015 में कोई एक फ्लैट ले ले, बराबर 2020 में 10 लाख से भी कुछ आएगा भी नहीं। ये समझ गए, ये चीज है। इट इज ऑल्सो, तो फिर पैसा बढ़ रहा है, महंगाई आ रही है, लेकिन कोई मर नहीं रहा है। ये समझ रहे हो बेटा, कोई मर नहीं रहा है। ओ चाचा कैसे मर गए, इन्फ्लेशन था बेटा, महंगाई हो रही थी। अरे यार ये समझ रहे हो बेटा, लॉकडाउन ने तो हमें सिखा दिया। हमारा बाजू वाला जो था वो मतलब हर 3-4 दिन में खाने होटल पे जाता था, 2000 का बिल होता था। बराबर जब से लॉकडाउन आया बोले ना ना फालतू खर्चा नहीं करना है। ये क्लियर हुआ बेटा? हाँ, तो ये है कि भाई इन ऑन एन एवरेज महंगाई बढ़ रही है बिकॉज लोगों की इनकम बढ़ रही है। मेरी स्टार्टिंग सैलरी 4000 थी ध्रुवी, तारी स्टार्टिंग सैलरी कितनी था, कितनी होगी तेरी स्टार्टिंग सैलरी? पता नहीं। अरे 4-10 हजार से 15 हजार में होगा, तेरे मेरे में 20 साल का फर्क। हाँ, इनकम में 4 गुने का फर्क। ये क्लियर हुआ? चल मान ले ध्रुवी तू तू बड़ोडा आया हुआ है और पप्पा बीमार पड़े तेरे, बराबर है, हार्ट अटैक नहीं बोल सकते लेकिन ऐसा है कि भाई कुछ हो रहा है, घबरामन हो रही है, तो तू क्या करेगा? बड़ोडा से बैठा बैठा ओला को फोन करेगा, बराबर है, बोलेगा ये घर पे जाओ, और ओला को बोलेगा यहाँ से इनको पिकअप करके ये हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं सीधा ओला करके यहाँ पे आ रहा हूँ। ये समझ गए बेटा? हाँ, तो अभी अपने पास फैसिलिटी है, अभी हमारा एक्सपेंडिचर भी मेंटालिटी भी है। मैं खुद 2 बिजनेस करता हूँ, तो ऐसे 3 बिजनेस ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, और साड़ियां भी बेचते हैं। बिकॉज अभी टेक्नोलॉजी आ गई है, फोन आ गए, कनेक्टिविटी बढ़ रही है। अच्छा तुम लोग ध्रुवी तेरे घर का एग्जाम्पल देते हैं, तेरे घर में कितने लोग है बेटा? 4 लोग। इंटरनेट कौन कौन यूज करता है? 2 लोग 3 लोग। हाँ, तो 5 × 3 तो 1650 रुपए तो तेरे खाली इंटरनेट के जा रहे हैं भाई। तो तू गरीब कहां से हो गया? अंडरस्टैंडिंग दिस, अभी देश बढ़ रहा है तो महंगाई यहां पे आ रही है। 15-15, 20-20 हजार के फोन आ रहे हैं जो 2-2, 3-3 साल चल रहे हैं। ये समझ रहे हो बेटा? वॉशिंग मशीन आ रहा है, मतलब घर के सारी इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, और पता नहीं कितनी सारी चीजें आ रही है। इसीलिए ये सारी चीजें इसलिए आती है बिकॉज आपकी क्या बढ़ गई है बेटा? इनकम। ये समझ गए कि नहीं? हमारी शादी आज से 14 साल पहले हुई, 3 लाख रुपए में मेरी शादी हुई थी। अभी तो प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, वेडिंग शूट, ये सब करने का वाला ही वो फोटोग्राफर 50,000 से 1 लाख रुपए ले जाता है, बोल। हाँ, तो यहाँ से जाते हैं पावागढ़ ने, फिर शूटिंग करते हैं, पूरा पता नहीं या हाथ ऐसे करो, हाथ ऐसे करो, वेरी नाइस, 4 ड्रेस लेके आते, वो आती है, फिर शूटिंग 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 ले। आज शादियां ही 10 से 15 लाख में हो रही है बेटा, 15 साल भी नहीं हुए वो चीज को, 5 गुना भाव बढ़ गया। अच्छा दूसरी चीज, तुम में से कोई सोनी है, गोल्ड गोल्ड कोई बेचता है तुम में से? हाँ या ना? ना। गोल्ड का क्या भाव, गोल्ड का क्या भाव चल रहा है? 50 रख लो, बराबर, तो भी तुम्हारा मैरिज होगा तब तुम गोल्ड बाय करोगे कि नहीं करोगे? क्यों? हाँ तो क्यों? हूँ बिकॉज प्राइस बढ़ रही है, उसका रीजन ही एक है कि डिमांड भी बढ़ रही है। क्लियर बेटा? ये चीज है, इसीलिए इनकम बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो वापिस एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो वापिस इनकम बढ़ेगी, वापिस इनकम बढ़ेगी वापिस खर्चा बढ़ेगा। ये क्लियर हुआ बेटा? हाँ, ये लॉजिक मैं 4-4, 5-5 बार बोलूंगा पूरे सेशन में, बट इट इज वर्थ यार, ये समझ गए ना? इट इज वर्थ, तो पता चलता है। तो वापिस मेरी वो
तीन वाली जरा सेट कर लेते हैं, बराबर है। पहला क्या बढ़ेगा बेटा, पहला क्या बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्लियर बेटा? हाँ हाँ। फिर आता है ये फॉरेन एक्सचेंज, $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज, बराबर है। क्यों उल्टा नहीं है बेटा, क्यों उल्टा नहीं है, नहीं। डॉलर का भाव इसलिए है बिकॉज देखो मैं सिखा देता हूं, अभी आपको इतना काम नहीं लगेगा। ये है इंडिया, ये है अमेरिका, हमने एक्सपोर्ट किया उसके पास आया 100 रुपए का, उसने एक्सपोर्ट किया हमारे पास आया 1000 रुपए का, 900 रुपए अपने को देने के। ये क्लियर हुआ बेटा? मैं और ध्रुविल बैग भर भर के गए जिसमें गांधी जी रखा था। ये बोलता है हमको गांधी जी नहीं चाहिए, हमको इब्राहिम लिंकन चाहिए। ये समझ गए तुम लोग? इसीलिए हम उसकी डिमांड करेंगे, वो लोग सप्लाई करेंगे और 75 रुपीज का भाव सेट हुआ। ये समझे? हाँ। अभी और मंगाओ अमेरिका से, रफाइल मंगाओ, बराबर, ये मिसाइल मंगाओ, फिर तो देखो रुपए का भाव कितना बढ़ता है। समझ रहे हो बेटा? हाँ। सो आफ्टर जे एम केन्स देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट मैक्रो इकोनॉमीज। ये अभी भी मैं खाली वही चला रहा हूँ बेटा, क्या बोलते हैं, स्लोली स्लोली चल रहा है, बराबर है। नॉट ओनली कंसर्न विद इन्फ्लेशन, लेकिन स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब प्रणव सर में, प्रणव क्लासेस में 4 स्टूडेंट थे, अगले साल 4 स्टूडेंट रहे, उसके बाद 4 स्टूडेंट रहे, उसके बाद 4 स्टूडेंट रहे, अबे तो मतलब मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा। ये समझ गए बेटा? तो वो चीज को भी कौन स्टडी करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो चीज को कौन स्टडी करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। बिजनेस साइकिल, तेजी के बाद मंदी, तेजी के बाद मंदी के बाद तेजी के बाद मंदी, ये तो पढ़ा ना आप लोगों ने। हाँ। इसको डिप्रेशन बोलते हैं, इसको रिकवरी बोलते हैं, इसको बूम बोलते हैं, इसको रिसेशन बोलते हैं, इसको डिप्रेशन बोलते हैं, बराबर है बेटा? तो ये साइकिल कैसे आती है, ये साइकिल कैसे बनती है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आ जाती है। क्लियर? ठीक है, तो भाई आज का ये सेशन हम लोग यही पूरा करते हैं, कल सुबह हम लोग स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक से चालू करेंगे। ओके ओके, चलो बेटा बाय।